वहीं कोरिया जिले के ग्राम पंचायत फूलपुर के शंकरपुर में कृषि विज्ञान केंद्र में 15 एकड़ भूमि में लगाए गए 1100 नारियल के पेड़ देखरेख के अभाव में बर्बाद हो चुके हैं। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र में महात्मा गांधी रोजगार योजना अधिनियम के तहत 15 एकड़ जमीन में 41 लाख रुपए की लागत से 1100 नारियल के पेड़ लगवाए थे, लेकिन संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण शासन के द्वारा लगाई गई लाखों रुपए की लागत बेनतीजा साबित हुई है। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इन नारियल के पौधों को सिंचाई के लिए बोर खनन भी कराया गया था, लेकिन उस बोर में पानी नहीं निकला। इसके बाद ही पाइपलाइन का भी कार्य कराया गया, लेकिन आज के समय में वह पाइपलाइन जगह जगह से टूट चुकी है। जानकारी के अनुसार जिले में साल भर नारियल के फल की मांग बनी रहती है। अगर इस योजना में लगे नारियल का जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सही देखरेख किया गया होता तो कोरिया जिले के लोगों को यहीं से नारियल उपलब्ध कराने में कोई समस्या नहीं होती। वहीं इस विषय में जब जिला सीओ आशुतोष चतुर्वेदी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस विषय में और जानकारी विभाग से ली जाएगी और जो उचित कार्यवाही होगी वो भी की जाएगी। आपके द्वारा ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया, इस पे केवीके से जानकारी ली गई थी। जानकारी में ये बात आई है कि आशानुरूप सफलता नहीं मिली है उक्त स्थल पर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। इसमें और अधिक विस्तृत जानकारी केवीके से ली जाएगी और नियमानुसार जो आगे कार्रवाई की जाएगी।